सितारगंज में भाजपा प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा ने पत्नी सुमेधा बहुगुणा के साथ मतदान किया। सौरभ बहुगुणा ने कहा, भाजपा की सितारगंज में लहर चल रही है। जी हां, उत्तराखंड की 57 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इस बार चुनाव आयोग ने मतदान की अवधि बढ़ा दी है, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। इसी कड़ी में सीएम धामी समेत कई राज्य के बड़े दिग्गज परिवार के साथ वोट डाल रहे हैं। आज प्रदेश के करीब 42 लाख मतदाताओं के वोट न सिर्फ 632 प्रत्याशियों की किस्मत तय कर रहे हैं, बल्कि राज्य का भविष्य भी लिख रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव बदलाव के लिहाज से कुछ मायनों में अहम माना जा रहा है। ये चुनाव घाटी सियासी दिग्गज हरीश रावत, गोविंद सिंह कुंजवाल, बंसीधर भगत, सतपाल महाराज सरीखे उम्मीदवार नेताओं के सियासी भविष्य के लिए निर्णायक दाव हो सकता है। सिर्फ उनके लिए ही नहीं, मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों के लिए चुनाव जातीय, क्षेत्रीय और विकास से जुड़े समीकरण के लिहाज से आखिर बहुत खास माना जा रहा है। नए परिसीमन के बाद 2027 में होने वाले चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर कहीं कम तो कहीं ज्यादा भौगोलिक समीकरण प्रभावित होंगे। ये बदलाव सियासी दलों और नेताओं की नई सियासी व चुनावी रणनीति तय करेगा। सितारगंज में भाजपा प्रत्याशी विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा, सितारगंज में भाजपा की लहर है, विकास के नाम पर वोट कर रही है। निश्चित तौर पर सितारगंज की देवतुल्य जनता विकास को प्राथमिक कर रहा हूँ। उत्तराखंड की जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि आज जो लोकपर्व है मतदान का, इसमें सब अपनी भागीदारी दीजिए। 5 साल में एक बार आपको अधिकार मिलता है वोट डालने का, इसका इस्तेमाल करिए और उत्तराखंड निर्माण में अपना योगदान करिए। आज मैंने भी अपना मतदान किया है और इस सोच के साथ किया है कि सितारगंज विकास और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। सितारगंज से गुंडागर्दी, स्मैकखोरी, नशाखोरी और हमारी सारे वो बुरे तत्व जो हैं सितारगंज के, वो ख़त्म होंगे और सितारगंज विकास के रास्ते पर चलेगा। और मैं आज पूरा क्षेत्र घुमा हूँ, मैं अभी शक्ति फार्म था सारे बूथ में गया, सितारगंज सारे बूथ में गया, थारू क्षेत्र में गया। लोगों में भारतीय जनता पार्टी को लेके एक उत्साह है, एक जोश है और आप देखिएगा 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी 10 मार्च को, तो आपको एक तरफा सितारगंज सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते हुए दिखेगी।